होने वाला है इस बार? धमकी दिया गया, अभी हम लोग का नामांकन हो रहा था, जो अभी लेट हुआ है वो मतलब जनता को पेपर हम लोग का छीन रहे थे कि नहीं ये गलत है, वही है प्रमुख पति। से पूछिए कि पंकज कुमार यादव कौन है? मेरा योगदान है, एक मोहर लग गया है, उसके बाद मोहर नहीं लगेगा, पूछ लीजिएगा उनसे। जिताने के लिए हम लोग 3 बार से जीते हैं, जनता हमें पसंद कर रही है, इतना हम लोग अच्छा काम किए हैं, काम करेंगे या कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत अपने पंचायत में प्रणाम करती हूँ जी जी। आगे इसके अगर कुछ नहीं बोलना चाहूंगी जी। विकास करिएगा जनता के, चलिए आइए तो विकास जरूर करूंगी। जनता तो साथ देती आ रही है कई सालों से। मैडम नहीं हुआ आपके पंचायत में? नहीं, विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, मगर जनता को कहना चाहिए। जनता को मेरे बारे में शिकायत अगर कोई हो तो जनता कहेगी, विरोधी तो 10 किस्म का 10 भी कह सकते। पंचायत की जो जनता है क्या मूड बनाई आपके प्रति? नहीं, सराय पंचायत की जनता मेरे साथ आजीवन सपोर्ट की, आजीवन सपोर्ट। इतना लेट नामांकन सर हुआ आपका जी, वजह क्या रहा? नहीं, वजह यही रहा कि थोड़ा नामांकन में थोड़ा कागज में थोड़ा होता है, लेकिन चलते बगल में भैया है तो क्या कहेंगे भैया? आज नामांकन करनी है सोनल देवी, जो चर्चा का विषय बनी है कि टीवी मतलब युवा है, जस्ट लाइक की एक बेहतर काम करेंगी समाज के लिए, किसान के लिए और किसान के हित में, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला प्रत्याशी हैं और समाज के बीच में ये पद जो है बहुत गरिमा वाला पद है और किसानों के हित में सही काम कर पाएंगी जी? एकदम करेगी, महिला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महिला को 50% आरक्षण मिला है, उत्थान के लिए लगातार कई योजना पे काम कर रहे हैं जी। बहुत कम ही पैक्स में महिला अध्यक्ष रही हैं जी, तो हम लोग भी महिला को लड़ा रहे हैं, महिला पैक्स अध्यक्ष होंगी। हमारे बड़े भैया श्री अजय कुमार सिंह जी बहुत अच्छा काम किए थे, 3 बार से वो थे, उनका स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए अब हम लोग उनका काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप पूरी ईमानदारी से वो काम किए थे, हम लोग को ईमानदारी से काम। अब विपक्षी लोग कुछ भी इल्जाम लगाए, पहले वो अपने गिरेबान में झांके कि हम क्या हैं या क्या कर रहे हैं। सब पद उन्हीं को चाहिए, उनकी पत्नी अभी वर्तमान में है, ब्लॉक प्रमुख है, वो अभी पैक्स अध्यक्ष के लिए नामांकन किए हैं, तो किस परिस्थिति में वो ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं, खरीद फरोख्त किए हैं या कैसे किए हैं, अब वो उसका जवाब दें। हम लोग किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है, तो बता रहे हैं कि हम चुनाव कहने के लिए हम लोग 3 बार से जीते हैं, जनता हमें पसंद कर रही है, इतना हम लोग अच्छा काम किए हैं, काम करेंगे या कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा वोट से हम लोग विजयी होंगे। देखिए हम लोग जनता का प्यार हम लोग के साथ में है, ना हम लोग पास उतना पैसा है, ना हम लोग बाहुबली हैं। बाहुबली वो लोग हैं जो 2.5 साल में सीट बदल देते हैं, प्रत्याशी बदल देते हैं, अभी उसका उदाहरण दिख रहा है, वो प्रमुख का भी बदलाव हो गया है, अविश्वास लग चुका है। हम लोग 3 बार से हैं, इस बार भी हम लोग विजयी होंगे, बहुमत से होंगे। लालच है, देखिए लालच है, अगर हमें एक छोटा भी पद मिला है तो हम जनता का सेवा कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से, और लालच है तो हमें पद कि जो आपके विरोधी हैं वे बता रहे हैं कि अंजाम बुरा होने वाला है इस बार। धमकी दिया गया, अभी हम लोग का नामांकन हो रहा था, जो अभी लेट हुआ है वो मतलब जनता को पेपर हम लोग का छीन रहे थे कि नहीं ये गलत है, वही है प्रमुख पति पेशकार बैठा जी थे। क्या बोल रहे वो प्रत्याशी भी जी? अभी प्रत्याशी है जबकि उनका सुबह में नामांकन हो गया, उनको नहीं रहना चाहिए बूथ पर, जबकि जो भी हमारे सदस्य है उन लोग को डिस्टर्ब कर रहे थे कि इनका ये कमी है, इनका ये कमी है, किसी का गलती से 2 नाम है तो हमारी कमी से थोड़ी 2 नाम है, मृत है उसमें, वो डिस्टर्ब कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, गाली आपत्तिजनक सब। लेकिन ये बता रहे हैं कि दबंगई चलने वाली नहीं है सारे पंचायत, वो तो यहाँ पे पब्लिक देखी, यहाँ पे वीडियो में भी रिकॉर्डिंग है कौन दबंगई की है, धमकी देते हुए हो गए। इसका जवाब सराय पंचायत की जनता देगी? हाँ, जनता देगी एकदम, 3 तारीख को देगी। हित के लिए आप लोग सामाजिक चीजों में रहते हैं, पहले तो आपका परिचय, आप सामाजिक चीजों में रहते हैं, समाज सेवी के रूप में आपका नाम परिचित है, सिंगर भी है, समाज सेविक भी है और आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, सबका सहयोग भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखा गया है कि इस बूथ में जितने भी लोग आ रहे हैं सबको आप मतलब सम्मानित पूर्वक उनको कुछ सिखाना पढ़ाना। देखिए हम लोग जनता के बीच में हरदम रहे हैं, आजीवन रहते हैं, पंकज कुमार यादव नाम है। और रही बात विपक्षियों को, तो उस विपक्षी से पूछिए कि पंकज कुमार यादव कौन है? मेरा योगदान है, एक मोहर लग गया है,
उसके बाद मोहर नहीं लगेगा, पूछ लीजिएगा उनसे ना, मेरा योगदान है। 24 BDC से पूछिएगा। लेकिन वे तो लेकिन वे बता रहे हैं कि देश का सेवा किए हैं, पंचायत का सेवा। नहीं नहीं, आप लोग न्यूज चैनल चला, सभी न्यूज भाई लोग हमारे हैं, सिर्फ आप अपना चैनल अलावा जनता से सरावे से मैं कह रहा हूँ, इनका चैनल खोल के देख लीजिएगा 8 महीना पहले कौन था और किसका योगदान था, कहाँ तक पहुँचा गया कि वो व्यक्ति ईमानदार नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदार नहीं भाई, मैं एक यादव समाज से आता हूँ। ये बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और एक ये यादव समाज के एक मेरे भाई यहाँ उप प्रमुख थे राजू यादव, नीतीश कुमार जी का विधायक टूट गया, प्रमुख साहब को पता नहीं है, ये लोग दूसरे को गर्म एथी कर घुमाए हैं। हम लोग यादव से हैं, यादव समाज से आते हैं। 2.5 साल जो प्रमुखता थी वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, लोग आ गया जी। तो कहीं ना कहीं उनका जो कार्यकाल रहा शानदार नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए आपने छोड़ दिया। अच्छा एक बात सरावे के जनता से पूछिएगा कि 18 साल से मेरा उनका दोस्ती था, पूछिएगा जनता से, लेकिन क्यों टूट गया जी, पूछिएगा ईमानदारी नहीं। तो अगर हमारे में कोई गलती होगी तो पूछे, बोलना चाहिए ना जी। और रही बात पेक्स के, तो आजीवन सरावे के जनता जानती है, जनता सब कुछ जानती है कि अजय सिंह जी हम लोग के बीच में थे, जनता के लिए क्या दिए हैं, कहने की बात नहीं है। अब धान गेहूँ धमका धमकी मीडिया में थोड़ी बोलने से हो जाता है, सब जनता जानते, जनता बहुत तेज, जनता सब बात जानती है, जनता इस बार बिल्कुल जवाब का देने में प्रेम भाव है, प्रेम भाव है सबको, हाथ में सोनल देवी और विजय सिंह, अजय सिंह सब लोगों को लेकर चले हैं। अपील क्या करें चलते चलते? मैं सरावे पंचायत के जनता से अपील यही करता हूं कि जैसे हर बार प्यार दुलार दिए हैं, इस बार भी इनको प्यार दुलार दें, और लड़ाई में कोई नहीं है, काहे कि झूठ मूठ के भरम फैलाया जा रहा है। वो है जो हम ही चाहते सरकार का बुझाता कि किसान का होला, जितना जाना सरावे पंचायत से उठल बल्लो, 5 कट्ठा जमीन बा केहू के ले, तो जरा लगा सुना, पहले बात सुना, जे किसान ना रही तो किसान के हाल का जानी, बिया खातिर दिन भर बैठल बनी, बिया खातिर दिन भर बैठल बनी, बिया नहीं खे मिलल बोला, तू 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेत बा कहीं से भर किन के बो देब, हम किसान बनी 10 बीघा जमीन बा, तो वो आदमी के नुफेक्स लड़े के चाहिए जी, कि सब केहू लड़ी फलान गोली खा लेम, दुका खा लेम, जियान करब, ई कोन बात भयो, जेकरा लड़े खातिर जीवन में हमनी के चुननी सन अजय बाबू के, आज ले वैजा से प्यार दुलार मिलता, तो दूसरा के कहे के सरावे के जनता ए बेरी का करी, ए बेरी का करी, ए बेरी पटक के करी, सोनल देवी के हम लोग अध्यक्ष चुनम सन।